नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। 3% थ्रेश होल्ड कटौने, 7 पार्टी के राष्ट्रीय दलक मान्यता भेटल। अगहन 26 गते भीतर निर्वाचन प्रक्रिया के संपूर्ण काज पूरा भ जेबाक निर्वाचन आयोगक दावी। नया सरकार 3 महीना भीतर नागरिकता समस्या समाधान नहीं केला पर आंदोलन में उतरवाक एमाले सचिव महासेठक खतन। धनसा के रमौल में पीटपाट का एक गोटे के हत्या, हत्या में घटना में सम्मिलन रहा आरोप में 2 गोटे पकड़ल। अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत शुक्र दिनक खेल में मध्य प्रदेशक जीत, गंडकी प्रदेश 5 विकेट से पराजित। अब समाचार विस्तार में। निर्वाचन आयोग अखन धरि 7 राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के मान्यता पौने जानकारी दिलक। निर्वाचन आयोग के समानुपातिक दिशक प्रवक्ता गुरुप्रसाद वागले शुक्र दिन बेड़िया धरि में समानुपातिक दिश के मत परिणाम अनुसार एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी आ जनमत पार्टी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल बन सफल भेल आ 3% थ्रेशोल्ड कटौने औपचारिक जानकारी करौलन अछि। जाहि अनुसार एमाले सबसँ बेसी मत प्राप्त कयने अछि। समानुपातिक दिश अखन धरि 1,82,075 मतगणना भ चुकल अछि। प्रवक्ता वागले दोलखा, बाजुरा आ स्यांगजा जिला में मतगणना चालू रहला सँ एकर परिणाम आब बाकी रहल सेहो जानकारी देलनि। मंगसिर 16 गते 4 बजेसम्म 1,83,85,075 समानुपातिक तर्फको मतगणना भएको चाहिँ डाटा आएको सिस्टममा इन्ट्री भइसकेको छ। सिस्टममा इन्ट्री भइसकेको आधारमा, त्यो गणना भएको मतको आधारमा 7 राजनीतिक दलहरूले सदर मतको 3% कटाउनु भएको अवस्था देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ मतगणना सम्पन्न भइसकेको निर्वाचन अधिकृत जीवहरूलाई आयोगबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्राप्त चाहिँ गणना गरेको मत, सदर मत, बदर मत र राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मतको चाहिँ हार्ड कपी र सफ्ट कपी चाहिँ दुइटै आयोगमा पेश गर्न भनेर हामीले पत्रचार गरेका थियौँ। धेरै ठाउँबाट प्राप्त भइसकेको छ र प्राप्त भइसकेको आँकडा अनुसार चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतका विज्ञजीवहरूको कार्यक्रममा चाहिँ त्यो इन्ट्री हुँदैछ। आयोग 4 दिनभित्र समानुपातिक दिशक मतगणना काज सम्पन्न हेबाक अनुमान समेत कयलक अछि। दल सब पौने मत संख्या अनुसार ओकर सबके बंद सूची में भेजल गेल समानुपातिक सांसद सब निर्वाचित हेत। ओहिके लेल आयोग दल सब प्राप्त केने संख्या पठेबाक आ दल सब अपना सब बंद सूची में पेश केने नामावली के क्रम संख्या ऊपर नीचा नहीं कऽ कऽ निर्वाचन आयोग में नामावली पठाओत। एना कयला पर 1/3 महिला सबके संख्या राजनीतिक दल सब सँ पठाओल जेबाक कानून व्यवस्था रहल सेहो आयोग के प्रवक्ता वागले जानकारी देलनि अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया अगहन 26 गते धरि में निर्वाचन प्रक्रिया के संपूर्ण काज पूरा हेबाक बतौलन अछि। शुक्र दिन निर्वाचन आयोग के कार्यालय काठमांडू जिला में निर्वाचन में खटल निर्वाचन अधिकृत आ सुरक्षा निकाय के प्रमुख सबके लिए राखल गेल धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम के संबोधन करैत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया निर्वाचन प्रक्रिया के संपूर्ण काज सब अगहन 26 गते धरि में पूरा करबाक तैयारी रहल बतौलन अछि। ओ अगहन 19 गते धरि में मतगणना काज सम्पन्न कऽ लेबाक आ राजनीतिक दल सबके अगहन 22 गते धरि में निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सबके नाम कानून सँ तोकल अनुसार भेजबाक लेल पत्राचार कर लेबाक सेहो बतौलन अछि। एकर बाद राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश हेबाक ओ जानकारी देलनि अछि। प्रदेश सभामा एकदेखि सुदूर पश्चिमसम्म तपाईँहरू यो अवस्थामा रहनुभयो। तपाईँहरूको यहाँ थ्रेसहोल्ड कट्यो, यहाँ कटेन, के जाति हो त्यो लेखिरहनु त पर्दैन, तैपनि यो अवस्था रह्यो। त्यसकारण तपाईँहरूले आयोगमा बुझाएको बन्द सूचीको आधारमा कानुनले तोकेको क्लस्टर र तपाईँले दिएको त्यो चाहिँ मर्यादा क्रम, योग्यता क्रम भनौँ जहाँ छ, त्यो क्रम नमिचिने गरी तुरुन्तै आफ्ना चाहिँ माननीय सदस्यज्यूहरू निर्वाचित गरेर पठाइदिनुहोस् भनेर हामीले चिठी लेख्छौँ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपल या आयोग एक चरण में सब ठामक निर्वाचन सम्पन्न क के अगला दिन में सेहो सब ठाम एक बेर निर्वाचन सम्पन्न कर सकबाक बात के प्रमाणित केने बतौलन। ओ निर्वाचन शांतिपूर्ण रूप में सम्पन्न भेल सेहो दावी केलन। तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ सुरक्षाको प्रतिभूति सधैँ चाहिन्छ, चुनावमा मात्रै सुरक्षा चाहिने त होइन, सधैँ जरुरी छ, निर्वाचनको बेलामा फरक किसिमको सुरक्षा अनुभूति हो। आयोगले व्यवस्थापन गर्ने कुरा सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेपछि अरु कुनै तर्क गरेर यो निर्वाचनलाई दुई वा तीन चरणमा लगिरहनु पर्दैन भन्ने हाम्रो जोड थियो। र अब यसले एउटा के कुरा स्थापित गर्यो भने आगामी दिनहरूमा पनि निर्वाचन त भइरहन्छन्, यी निर्वाचनहरूमा पनि ओ अपना सब वर्तमान निर्वाचन कानून संतुष्ट नै रहल सेहो बतौलन। ओ अगला संसद में निर्वाचन संबंधित नया कानून ल जेबाक तैयारी भ रहल सेहो जानकारी देलन। कुनै आपत्ति को विषय छैन, हामी वर्तमान निर्वाचन कानून सँग संतुष्ट छैन, हामी छिटै अब नया कानून द्वारा निर्वाचन को व्यवस्थापन गरिनु पर्छ भन्ने कुरामा व्यापक तयारी गरिराखेका छौं। सम्भवतः यो नया संसद को नया अधिवेशन में नया कानून प्रवेश गर्ने छ, व्यापक छलफल हुन्छ, त्यसकारण तपाईहरुले दिएको यो विषय हामीलाई कानून तर्जुमा गर्न पर्ने। थपलिया निर्वाचन आयोग निर्वाचन समावेशी आ लैंगिक मैत्री बनेबाक इच्छा राखलो पर एना हुआ नै सकल बतौलन। ओ राजनीतिक दल सब लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के व्यवहार देखावा नै सकल सेहो बतौने छलथि। नेकपा एमाले के सचिव रघुवीर महासेठ एमाले के नेतृत्व में संघीय सरकार नै बनबाक संकेत कैलन अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन प्रेस चौताड़ी धनुषा कैने पत्रकार सम्मेलन में नेता महासेठ आप बनवला सरकार तीन महीना भीतर जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के नागरिकता देवाक निर्णय नै कला पर एमाले के नेतृत्व में भीषण आंदोलन हेबाक बतौलन अछि। अधिवक्ताहरू काङ्ग्रेसका नजिकका कार्यकर्ताहरू जहिले पनि मुद्दा गरेको छ, यसपालि त यसमा माओवादीहरू पनि हात थियो। त त्यो कारणले नागरिकता पाउनुपर्छ। आज नागरिकता नपाएर करिब करिब 6-7 लाखको बिचमा बालबालिकाहरू राम्रोसँग पढ्न मतलब पढ्न पाएको छैन, जागिर पाएको छैन, र उहाँहरूको नागरिकता पाउने अधिकार छ। र हामी नेकपा एमाले त्यसको लागि मैले अघि भनिहालेँ, सरकार बनेको तीन महिनाभित्र यदि सरकारले त्यो निर्णय गरेन भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा यो सिङ्गै मधेश प्रदेशमा हामी आन्दोलन गर्छौँ र जब तबसम्म गर्छौँ जबसम्म नागरिकता बारेमा निर्णय हुँदैन। ओ एमाले देशव्यापी आन्दोलन करबाक आ कम्तीमे मधेश प्रदेशमे त कैक छोड़बाक बतौलन अछि। धनुषा क्षेत्र नम्बर 400 प्रतिनिधिसभा सदस्यमे निर्वाचित महासेठ नागरिकता विषयमे निर्णय नै भेला धरि आन्दोलन जारी रखबाक सेहो बतौलन। यद्यपि ओ एमाले के नेतृत्वमे सेहो सरकार बनबाक सम्भावना नै हरायल बतौलन। निर्णय गरेन भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हामी देशभरि आन्दोलन गर्छौँ, मधेसभरि त गर्छौँ गर्छौँ आन्दोलन गर्छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ केपी ओलीको सरकारले पहिले विधेयक बनाएर पठाउने काम भयो, त्यो विधेयक यो गठबन्धनको सरकारले पास गरेन। त्यही विधेयकमा पनि थियो जन्मसिद्धको नागरिकको छोराछोरीलाई अविलम्ब वंशजको नाताले नागरिकता दियो, त्यो पास नगरिसके पछाडि हामीले अध्यादेश ल्यायौँ। अध्यादेश मार्फत पनि हामीले नागरिकता नै पाएका करिब 6-7 लाख गोटे पढा आ नोकरी कर सब वञ्चित भेल कहैत ओ सब अविलम्ब नागरिकता पाओल जेबाक बतौलन। ओ मधेशक समस्या प्रति एमाले गंभीर आ चिंतनशील रहल बात जनता बुझला से मधेश में एमाले प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा दुनू दिस पहिल दल बनल दावी कयने छलथि। नेकपा एमाले के उप महासचिव एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुंग अपने पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेबा काज में लागल जेबाक बतौलन अछि। सत्तारूढ़ गठबंधन के तोड़ कर वामपंथी शक्ति सब के एकजुट बनबैत एमाले अपन पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेबाक लेल पहलकदमी लेल जेबाक हुनक कथन छल। लमजुम सँ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भेला में अपना बधाई देव प्रेस चौताड़ी नेपाल शुक्र दिन काठमांडू में आयोजन कने कार्यक्रम में उप महासचिव गुरुंग
प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवाल नेतृत्व में सरकार बनवाक प्रचार के तोड़ कर एमाले अपन नेतृत्व में सरकार बनेबाक लेल पहल कदमी लेल जेबाक बतौलन। ओ संघ आ सात प्रदेश में एमाले सरकार बनाव सकबाक हैसियत में रहल दावी समेत कैलन। हमी सात प्रदेश में सरकार बना सकता नेपाल में संघीय सरकार बना सकता हमी तो लक्ष्य पूरा करना को लगी दिन रात नभनिकन अब हाम्रो पहलकदमी सुरु हुनुपर्छ, हाम्रो सक्रियता सुरु हुनुपर्छ, हाम्रो सूझबूझ भने दूरदर्शी चाहिँ तपाईको के दूरदर्शिता त्यही प्रकट हुनुपर्छ, हाम्रो आफ्नो चाहिँ योग्यता क्षमता त्यही प्रकट हुनुपर्छ। त्यो काममा चाहिँ आदान प्रदान तपाईँहरूको सुवेश त्यही होला पनि लाग्छ कि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अबको सरकार बन्नुपर्छ या नेकपा एमालेको पहलमा अबको सरकार बन्नुपर्छ या अबको चाहिँ अबको पावर सेयरिङमा नेकपा एमालेको महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका हुनुपर्छ यही होइन हामी सबको चाहना त्यही होला नि। त्यो काममा चाहिँ हामीले सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ, तपाईँहरूको शुभकामना त्यहीँनिर केन्द्रित छ भन्ने लाग्छ मलाई। उपमहासचिव गुरुङ एमाले नेतृत्वकै सरकार बनेबा काजकै सार्थक निष्कर्षमे पुगाव अपना प्रयास करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। ओ नेकपाके एकताके बचाव नै सकलासँ अपन पार्टी प्रतिसभा प्रदेशसभा निर्वाचनमे अपेक्षित परिणाम आन नै सकल सेहो बताउने छलथि। दांग क्षेत्र नंबर 200 निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्र के नेत्री रेखा शर्मा सरकारक नेतृत्व बेराबेरी करबाक निर्णय भेल मुदा पहिने के नेतृत्व करबाक विषय में सहमति आवश्यक रहल बतौलन। शुक्र दिन बुटवल में भेल कार्यक्रम में नेत्री शर्मा गठबंधन सरकार बनला पर बड़का दलक हैसियत से नेपाली कांग्रेसक प्रधानमंत्री में दावी रहल स्वाभाविक भेल सेहो बतौलन। ओ माओवादी केन्द्र सेहो गठबंधनक दोसर बड़का दल भेल कहैत पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित वरिष्ठ नेता सब संग परामर्श क के प्रधानमंत्री के विषय में निर्णय हेबाक बतौलन। प्रयत्न पहल भइराखेकै कुरा छ, तर हामीले बुझेकै छौँ, सबैले बुझेकै छौँ। तर जहाँसम्म प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने विषय जुन छ त्यो सहमतिको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रा शीर्ष नेताहरूले को बीचमा हिजो पनि एउटा छलफल थियो, अनि पहिला पनि निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि उहाँहरू छलफल गर्नुभयो आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा बाहिर सार्वजनिक भएकै कुरा हो। र अब अहिले कोबाट सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सहमतिमा छलफलमा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। को व्यक्ति हुन्छ पहिले भन्ने कुरा त्यो प्रधान कुरा होइन, अनि गठबन्धनबाट हामी के काम गर्छौँ भन्ने कुरा प्रधान कुरा हो। त्यसकारण देश विकास, समृद्धि, संविधान, लोकतन्त्र, संसदको रक्षा यो कुरालाई धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। शान्ति प्रक्रिया अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन। नेत्री शर्मा राजनीतिक दल सबद्वारा युवा सबके सेहो सम्मानजनक रूप में अगाडि बढाओल जेबाक सुझाव देलन। ओ युवा सबके जबरदस्ती हस्तक्षेप से बेसी नया विजन आ सोचक साथ आगा बढ़ौला पर देश सही मार्ग में जेबाक स्पष्ट केने छलथि। झापा के दमक नगरपालिका नंबर 9 में मोटरसाइकिल के ठक्कर से पैदल यात्रु के मृत्यु भेल छे। घटना में मोटरसाइकिल चालक सेहो गंभीर घायल भेल छे। प्रहरी के अनुसार प्रदेश 101016899 नंबर के मोटरसाइकिल पैदल यात्रु के ठक्कर द के पलटल छल। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल पैदल यात्रु इलामक माई नगरपालिका 10 रहित आयल 47 वर्षक गोपाल राय के आओर इलाजक लेल न्यूरो अस्पताल विराटनगर लऽ जेबाक क्रममे बाटेमे मृत्यु भेल जनाओल गेल अछि। गंभीर घायल भेल मोटरसाइकिल चालक झापा कनकाई नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के 25 वर्षक नितेश बस्नेत के विराटनगर स्थित न्यूरो अस्पताल में इलाज भ रहल छै। धनसा में पीटपाट का हत्या केने आरोप में 2 गोटे पकड़ायल छै। मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 रमौल रहवला 53 वर्षक प्रभु यादव के हत्या अभियोग में स्थानीय 2 गोटे के प्रहरी पकड़ने छे। पकड़ायल में 41 वर्षक लाल बाबू यादव आ 31 वर्षक सुरेश यादव रहल छे। दुनू गोटे के पकड़ कर कर्तव्य ज्ञान कस्टूर में म्याद बढ़ा कर अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी दिलक अछि। जगह संबंधी विवाद के लऽ कर भेल पीटपाट से प्रभु के मृत्यु भेल खुला में आयल सेहो प्रहरी जानकारी दिलक अछि। पहिने से चल रहल जगह संबंधी विवाद के लऽ कर बृहस्पति के राति में स्थानीय सूरज यादव के परिवार प्रभु के घर में पहुँचल छल। वही ठाम आक्रमण कला पर प्रभु के मृत्यु भेल परिवारजन के कथन अछि। घटना में प्रभु के श्रीमती महाजनी देवी यादव, बड़का बेटा जगन्नाथ यादव, मझला बेटा संतोष यादव आ छोटका बेटा अशोक यादव घायल भेल छै।
सुर्खेत के वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वड़ा नंबर 10 स्थित बुलबुले से प्रहरी ब्राउन शुगर सहित दू गोटे के पकड़ने छे। पकड़ायल में वीरेन्द्रनगर वड़ा नंबर 10 रहनिहार 25 वर्षक गोरख शाही आ वही ठाम रहवला 25 वर्षक सुदीप सुनाव रहल छे। कर्णाली प्रदेश लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो से खटल टोली आरोपी सब संग 190 मिलीग्राम ब्राउन शुगर बरामद कयने अछि। आरोपी सब के विषय में प्रहरी और अनुसंधान कर रहल छे। पिछला 24 घंटा में और 6 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छे। एहि संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 10,09,000 गोटे पहुँचल छे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 139 गोटे रहल छे। मंत्रालय के अनुसार 23 गोटे शुक्र दिन डिस्चार्ज भेल छे। अखन धरि घर घुरवला के संख्या 988,742 रहल छे। पिछला 24 घंटा में ककरो मृत्यु नहि भेल छे। गैर आवासीय मधेसी संघ मलेशिया कलाकार सबके आर्थिक सहयोग कयने छे। सप्तरी में जनमत पार्टी के चुनावी प्रचार में सहयोग कयने कलाकार सबके NRN मलेशिया 10,000 रुपया सहयोग कयने छे। संघ मुकेश कुमार माझी सहित के कलाकार के टोली के सहयोग कयने छे। ये कलाकार सब सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 से उम्मीदवार बनल जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत के प्रचार प्रसार में खटल छल। काठमांडू उपत्यका के अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधन से प्रदूषण परीक्षण में फेल भेल पाओल गेल छे। शुक्र दिन काठमांडू के बौड़ महल में प्रदूषण मापन करय वाला यंत्र सहित वातावरण विभाग महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी आ यातायात व्यवस्था विभाग सवारी के प्रदूषण परीक्षण केला पर अधिकांश सवारी साधन प्रदूषण परीक्षण में फेल भेल पाओल गेल अछि। विभाग कयने 54 सवारी साधन के प्रदूषण परीक्षण में 38 सवारी साधन फेल भेल पाओल गेल छै। तहिना 16 सवारी साधन मात्रे पास भेल पाओल गेल विभाग जानकारी देलक अछि। वातावरण विभाग के महानिर्देशक नमराज घिमरे परीक्षण में फेल होवला सबके मरम्मत क के प्रदूषण पास कर जोकर बनाव समय देने जानकारी देलन अछि। ओ प्रदूषण फेल होवला सबके विभाग में आबि कर फेर से परीक्षण क के पास भेला बाद मात्रे कागज पत्र सब फिरता ल जेबाक सेहो बतौलन। सवारी साधनहरूले तोकिएको मापदण्डमा प्रदूषण वायु प्रदूषण गरिरहेको छ कि छैन भन्ने हामीले हेर्न खोजेको हो। खास गरी यो काठमाडौँ उपत्यका लगायत धेरै ठाउँहरूमा देशमा चाहिँ यो हिउँदको समयमा चाहिँ वायु प्रदूषण अलि बढ्ने र त्यसमा सवारी साधनको प्रदूषण पनि अलि बढी चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो अभियान अब सुरु गरेका छौँ। र यसमा अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने पहिलो पटक चाहिँ आज हामीले गाडीको प्रदूषण चेक मात्रै गरेका छौँ। फेल हुनेहरूलाई चाहिँ मर्मत गरेर प्रदूषण पास हुने गरी बनाउनको निमित्त हामीले समय दिएका छौँ। सवारी प्रदूषण संगे ट्रैफिक प्रहरी यांत्रिक अवस्था आ कागज पत्र सबके सेहो चेक जांच कर रहल अछि। यातायात व्यवस्था कार्यविधि अनुसार अखन सेहो प्रत्येक भाड़ा के सवारी साधन 6-6 महीना में सवारी के प्राविधिक जांच कराव पड़त। आब सब प्रत्येक बड़का तथा भाड़ा के सवारी के 6-6 महीना में प्रदूषण जांच के रिपोर्ट ल कर जाय पड़त। तहिना छोट तथा मध्यम सवारी साधन के 1 वर्ष में 1 चोटी जांच कराव पड़त। मजबूत आर्थिक विकासक लेल मजबूत आ स्थिर सरकार अखन के आवश्यकता रहल निजी क्षेत्र जनौलक अछि। अखन 4 गते भेल प्रतिसभा प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भ क मत परिणाम आब लगलो पर आब देशक नेतृत्व के करत एहि विषय में सबके चाँक के विषय रहल छै। अखन धरि के चुनावी परिणाम स्थायी आ मजबूत सरकार बनबाक संकेत नहि देखल गेल छै। एहि कारणसँ समस्याग्रस्त अवस्थामे रहल देश के अर्थतंत्र सुधार चुनौतीपूर्ण हेबाक देखल गेल छै। नया सरकार बनौला पर 1 वा 2 सँ बेसी पार्टी सँ मिलकर सरकार बनाओल जेबाक अवस्था सृजना भेल छै। आब बनयवला सरकार के बहुत चुनौती सब रहल छै। पछिला समय देशक अर्थतंत्र संकट में रहल व्यवसायी सब बतौलक अछि। हाम्रो चाहना के हो भने अहिले जो बन्ने सरकार छ हामीलाई पूर्ण विश्वास छ यो एउटा निर्वाचित सरकार हो र एउटा पब्लिकबाट विश्वास जितेर आएको सरकार बन्नेछ र यो सरकार आइसकेपछि राजनीतिक एजेन्डा भन्दा पनि आर्थिक एजेन्डा जुन खास गरेर अहिलेको समस्या जुन हामी दुर्घटना एउटा कठिन अवस्थामा पुगिसकेका छौँ र यो अवस्थालाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ।
तहिना नेपाल चेम्बर अफ कमर्स के अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल राजनीतिक एजेंडा के सब बेसी आर्थिक एजेंडा प्राथमिकता में देवला नेतृत्व सरकार में आवल जेबाक बतौलन। हामी निजी क्षेत्र चाहिँ के चाहन्छौँ भन्दाखेरि मुलुकमा आउने सरकार मिलिजुली भए पनि उसले स्थायित्व दियोस्, आर्थिक स्थायित्व दियोस्, जनतालाई चाहिँ एउटा सुख दिने काममा एउटा चाहिँ फेसिलिट गर्ने काममा सरल र सहज ढङ्गमा जाओस्। उहाँहरूको पोलिटिकल एजेन्डामा फरक फरक धारणा भए पनि आर्थिक एजेन्डामा सम्पूर्ण दलका नेताजीहरूको एउटै धारणा होस्। तहिना उद्योगी तथा गोल्यान ग्रुप के अध्यक्ष पवन गोल्यान मजबूत आर्थिक विकास क के देश आ जनता के लिए काज करवला सरकार आवश्यक रहल बतौलन। सबभन्दा पहिलो एजेंडा नै आर्थिक एजेंडा हुनु पर्यो, देश बनाउने एजेंडा हुनु पर्यो। यो चाहिँ अब चाहिँ भागभन्डा यो चाहिँ राजनीति यिनीहरूलाई चाहिँ पछाडी छोडेर अरु कुराको राजनीति छोडेर सबभन्दा पहिले देश बनाउने नीति आउनु पर्यो। सुहाउँदो हाम्रो माटोलाई सुहाउँदो हाम्रो आम जनतालाई सुहाउँदो नीतिहरू आउनु पर्यो। त्यसको लागि कुनै ठुलो कुरा होइन, हामीले चाह्यो भने हाम्रो सानो देश छ, हामी 5 वर्षभित्रमा एकदम सक्षम हुन सक्छौँ, यसमा कुनै बिमत छैन। कृषि के पहिल प्राथमिकता दक कृषि के सबसे बेसी नाफामूलक उद्योग बनाव सकवला नेतृत्व के सरकार आवश्यक रहल हुनक कथन अछि। ओ पर्यटन विकासक लेल भौतिक संरचना बनाव लगानी बढ़ाओल जेबाक सेहो बतौने छलथि। कलाकार राजेश हमाल होटल व्यवसायी सब नेपालक अर्थतंत्र के लेल महत्वपूर्ण क्षेत्र भेल बतौलन अछि। शुक्र दिन काठमाण्डू भेल नेपाल होटल अवार्ड 2022 विषय में जानकारी देव आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ओ होटल व्यवसायी सब नेपालक अर्थतंत्र के लेल महत्वपूर्ण भेल बतौलन अछि। ओ नेपाल पर्यटनक आकर्षण के केन्द्र रहला से बेसी पर्यटक सब के नेपाल आन सकला पर नेपाल के अर्थतंत्र में नीक सुधार हेबाक बतौलन। ओ देश में बहुत होटल सब बनत गेलो पर वही के गुणस्तर केहन रहल बात से पर्यटक सब आएबाक बतौलन। किनभने वहाँ कि यो चाहिँ नेपाल होटल अवार्ड क्षेत्र भनेर परिचित हुँदै आएको हो र यसको सुरुवात तपाईको अहिले निर्वाचन आयोग जहाँ छ त्यहाँ पहिलो आधुनिक वेस्टर्न भनौँ न पश्चिमी स्टाइलको होटल रोयल होटल भन्ने नामले चाहिँ नि जहाँ आज निर्वाचन आयोग छ त्यहाँ चाहिँ पहिला खुलेको थियो र त्यस पश्चात सोल्टी होटल हुँदै अब अहिले हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अहिले त हामीले देखि नै सकेका छौँ कि हातमा गन्न नसक्ने 5 तारे होटलहरू नेपालमा बनिसकेका छन्, आउँदो क्रममा पनि त्यत्तिकै व्यापक रूपमा चाहिँ नि आउँदो क्रममा पनि छ र खालि काठमाडौँ मात्रमा केन्द्रित नभएर राष्ट्रव्यापी रूपमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्ममा पछिल्लो 20-25 वर्षमा अत्याधिक हस्पिटालिटी बिजनेससँग चाहिँ ओरिएन्टेड होटल्सहरू र बिजनेसहरू चाहिँ खोलिएका छन् त्यसले पनि जनाउँछ। कलाकार हमाल रेन्डर बुकिङ .com नेपालमै पहिल बेर खुला नोमिनेसन आ गोप्य आ आधुनिक प्रक्रियासँग मूल्याङ्कन करैत विभिन्न 15 विधामे नेपाल होटल अवार्ड 2022 पुस 4 गते सञ्चालन हेबाक आइसँ अर्थतन्त्रके विकासके लेल सहयोग पुर्वक बताउने छलथि। सुनक मोल 99,100 रुपया पहुँचल छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार शुक्र के एक दिन सोनक मोल तोला में 1,000 आ चांदी के मोल तोला में 15 रुपया से बढ़ल छे। छापाबाल सुन के मोल 99,100, तेजाबी सुन के मोल 98,600 आ चांदी के मोल 1,945 रुपया तोकल गेल छे। चानी के मोल 1,345 रुपया तोकल गेल छे। अइसे पहिने बृहस्पति दिन सोन के मोल 98,100, तेजाबी सोन के मोल 97,600 आ चानी के मोल 1,330 रुपया में कारोबार भेल छल। आइसे काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में विद्युतीय गाड़ी के एक्सपो ईवी नेपाल एक्सपो शुरू भेल छे। एसडी एक्सपो मीडिया के आयोजना में शुरू भेल एक्सपो 3 दिन धरि संचालन हैत। आयोजक के अनुसार विद्युतीय गाड़ी आ संबंधित उत्पादन सबके नेपाल में होबय लागल ई सबसे बड़का प्रदर्शनी रहल छे। प्रदर्शनी में 150 से बेसी प्रतिष्ठित कंपनी सब सहभागी भेल छे। नेपाल में विद्युतीय गाड़ी के क्षेत्र में प्रोत्साहन करैत अखन के अवस्था में प्रभावकारी ढंग से व्यापार संचालन में सहयोग पुगेबाक एक्सपो के पहल उद्देश्य रहल आयोजक जनौलक। एक्सपो में विद्युतीय कार, विद्युतीय स्कूटर आ मोटरसाइकिल आ साइकिल, विद्युतीय बस, विद्युतीय ट्रैक्टर, विद्युतीय कार्गो लोडर,
रिक्सा तथा विद्युतीय चार्जिंग स्टेशन बैटरी तथा और विद्युतीय सामग्री सब प्रदर्शन में राखल गेल छै। एक्सपो के स आयोजक के रूप में इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज रहल छै। एक्सपो के ऑटो नेपाल पावर टॉल्क कार रिप नेपाल ऑटो ट्रेडर .com आ ईवी ड्राइव द फ्यूचर सहकार्य कयने अछि। एहि के संगे व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता ऑटोमोटिव शोरूम के संचालक डीलर विक्रेता आयातकर्ता सब सरकारी अधिकारी कॉरपोरेट हाउस नया लगानीकर्ता लगायत सभी के लेल सहयोग पुगेबाक आयोजक के विश्वास रहल छै। आब खेल समाचार। बागमती प्रदेश ऊपर 7 विकेट के जीत निकालने सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी में जारी अंडर 19 पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में अपराजित रहत फाइनल में प्रवेश कलक। मूलवाणी क्रिकेट मैदान में शुक्र दिन भेल खेल में सुदूरपश्चिम प्रदेश लीग चरण के सब खेल में स्पष्ट जीत निकालत अंतिम दू के यात्रा तय कर सफल भेल छै। बागमती प्रदेश देने 125 रन के लक्ष्य सुदूरपश्चिम प्रदेश 19.1 ओवर में 3 विकेट गुमा कर भेटल छल। ऐसे पहिने टॉस जीत कर पहिने बैटिंग कयने बागमती 28.4 ओवर में 100 विकेट गुमा कर मात्र 124 रन के योगफल बनौने छल। लीग चरण के सब खेल में स्पष्ट जीत निकाल कर फाइनल में स्थान बनौने सुदूरपश्चिम प्रदेश 12 अंक के साथ तालिका के शीर्ष स्थान में रहल छै। एम्हर पराजित बागमती 6 खेल में 8 अंक जोड़ने छै। बागमती तालिका के दोसर स्थान में रहल छै। एक खेल कम खेलने लुम्बिनी प्रदेश के समान अंक भेलो पर नेट रन रेट के आधार में दोसर स्थान में रहल छै। आब लुम्बिनी शनि दिन होबे वाला खेल में मधेश प्रदेश के पराजित कैला पर फाइनल प्रवेश करत। तहिना कम अंतर से पराजित भेला पर सेहो अगला चरण में प्रवेश करत। जारी प्रतियोगिता में एक खेल में जीत निकाल नहीं सकला पर मधेश प्रदेश संग बड़का अंतर से पराजित केने अवस्था में बागमती के फाइनल प्रवेश के संभावना रहल छै। तहिना कीर्तिपुर मैदान में संपन्न दोसर खेल में गंडकी प्रदेश के 5 विकेट से हरबैत मधेश प्रदेश जारी प्रतियोगिता में पहिल जीत निकालने छै। मधेश अपन 5वां खेल में सुखद नतीजा निकालने छै। गंडकी देने 214 रन के लक्ष्य मधेश निर्धारित 50 ओवर पूरा हुआ 9 बॉल बाकी रहल अवस्था में 5 विकेट के क्षति में भेटने छल। ऐसे पहिने टॉस हार कर बैटिंग कयने गंडकी 48.5 ओवर में 100 विकेट के क्षति में 213 रन जोड़ने छल। अ संगे गंडकी 6 खेल से 5वां हार भोगने छै। दुनू टोली प्रतियोगिता से बहरा चुकल छै। प्रतियोगिता में शनि दिन कीर्तिपुर मैदान में लुम्बिनी प्रदेश आ मधेश प्रदेश तथा मूलपानी मैदान में कर्णाली प्रदेश आ प्रदेश एक बीच प्रतिस्पर्धा हैत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। 3% थ्रेश होल्ड कटौने 7 राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय दल के मान्यता भेटल। अगहन 26 गते भीतर निर्वाचन प्रक्रिया के संपूर्ण काज पूरा भ जेबाक निर्वाचन आयोग के दावी। नया सरकार 3 महीना भीतर नागरिकता समस्या समाधान नहीं केला पर आंदोलन में उतरबाक एमाले सचिव महासेठक चेतावनी। धनसा के रमौल में पीट पाट कर 1 गोटे के हत्या घटना में सम्मलन रहल आरोप में 2 गोटे पकड़ायल। आ अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्गत शुक्र दिनक खेल में मधेश प्रदेशक जीत गंडकी प्रदेश 5 विकेट से पराजित। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।